पथ पर चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो मंजिल ही मिल जाएगी या फिर अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। कुछ इसी तरह का सोच लेकर अपने सफर को शुरू करने वाले पंकज त्रिपाठी आज अपने नेचुरल एक्टिंग के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध हैं। लेकिन दोस्तों, मिर्जापुर में कालीन भैया और गैंग्स ऑफ वासेपुर में सुल्तान जैसा रियलिस्टिक किरदार निभाने वाले पंकज त्रिपाठी का अभी तक का यह सफर इतना आसान रहा नहीं है। जहां एक तरफ वह बिहार के छोटे से गांव में एक किसान के वहां पैदा हुए, वहीं करियर के शुरुआती दौर में उन्हें काफी संघर्षों का सामना करना पड़ा। लेकिन कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी हार न मानते हुए उन्होंने अपना काम जारी रखा और आखिरकार पूरे भारत में अपने शानदार अभिनय के जरिए पहचान बन गए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में भी हम जानेंगे खेत और होटल में काम करने वाले पंकज त्रिपाठी कैसे बने बॉलीवुड के एक शानदार एक्टर। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 5 सितंबर 1974 से, जब गोपालगंज बिहार के एक छोटे से गांव में पंकज त्रिपाठी का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम पंडित बनारस त्रिपाठी था, जो कि एक किसान और पुजारी थे। साथ ही उनकी मां का नाम हेमवंती देवी और दोस्तों, पंकज अपने घर में सबसे छोटे हैं, क्योंकि उनके अलावा उनके चार और भी बड़े भाई और बहन हैं और छोटे होने की वजह से उन्हें खूब प्यार भी मिला। हालांकि भले ही पंकज का जन्म बिहार के एक छोटे से गांव में हुआ, लेकिन शुरू से ही उनका सपना काफी बड़ा हुआ करता था और बचपन से ही वह फिल्म जगत में जाने की सोचने लगे थे। हालांकि अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर एक किसान के वहां पैदा होने वाला लड़का, जो कि खुद भी खेती में अपने पिता का हाथ बंटाता था, उसके अंदर एक्टिंग का कीड़ा कैसे आया। तो दोस्तों, आपको बता दें कि इसके पीछे भी बड़ी दिलचस्प कहानी है। दरअसल पंकज के गांव में अक्सर फेस्टिवल्स के समय एक नाटक का आयोजन किया जाता था और जिसमें लड़के ही लड़कियों का किरदार निभाते थे, और इसी तरह के ही ड्रामा में पंकज हमेशा ही एक लड़की बना करते थे और उनके शानदार अभिनय को देखकर गांव वाले लोग उन्हें फिल्म जगत में जाने की सलाह देते रहते। और यहीं से पंकज त्रिपाठी ने भी ठान लिया कि वह एक्टिंग के फील्ड में ही अपना करियर बनाएंगे। हालांकि दोस्तों, ये डिसीजन लेना तो आसान था, लेकिन इस पर काम करना उतना ही मुश्किल। शुरुआती समय में स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद से पंकज आगे की पढ़ाई के लिए पटना गए, जहां पर वह पॉलिटिक्स में भी सक्रिय थे। साथ ही उन्होंने अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ने के लिए थिएटर इंस्टीट्यूट भी ज्वाइन कर लिया था। हालांकि इस दौरान उन्होंने अपने खर्चों को चलाने के लिए पटना के एक होटल में काम भी किया, और फिर 7 साल पटना में गुजारने के बाद से उन्हें पता लगा कि जब तक वह बड़े शहरों में नहीं जाएंगे, तब तक एक एक्टर बनना काफी मुश्किल है। और फिर इसी सोच के साथ पंकज त्रिपाठी दिल्ली गए, जहां उन्होंने अपने एक्टिंग को इम्प्रूव करने के लिए नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन ले लिया। और फिर 2004 में NSD से ही वह ग्रेजुएट हुए। और फिर इसी साल 15 जनवरी को पंकज त्रिपाठी की शादी मृदुला नाम की लड़की से करवा दी गई। हालांकि अब शादी के बाद से पंकज के ऊपर जिम्मेदारियां काफी बढ़ गई थी, और इसीलिए उन्हें जल्द ही अपने करियर को आगे बढ़ाना ही था। और फिर यही सब कुछ अपने मन में लिए 2004 में ही पंकज मुंबई शिफ्ट हो गए, जहां पर उन्होंने एक्टिंग के फील्ड में काम की तलाश करनी शुरू कर दी। हालांकि शुरुआती कुछ महीने दर दर भटकने के बाद भी उन्हें कोई भी काम नहीं मिल सका, लेकिन पंकज ने अपनी काबिलियत पर भरोसा रखते हुए ऑडिशंस देने जारी रखे। और फिर कुछ महीनों तक उनके संघर्षों के बाद उन्हें टीवी शोज और मूवीज में बहुत ही छोटे छोटे ही सही, लेकिन काम मिलने शुरू हो गए। हालांकि यह काम इतने भी पैसे नहीं दे पाते कि पंकज का घर ठीक तरीके से चल सके, और इसीलिए उनकी पत्नी ने भी गोरेगांव मुंबई में बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया था। वैसे देखा जाए तो फिल्मों में पहला रोल पंकज त्रिपाठी को 2004 में मूवी रण में मिल गया था, लेकिन उनका यह किरदार इतना छोटा सा था कि ये शायद किसी को याद भी ना था। और फिर ऐसे ही करके आगे कई साल तक पंकज ने बहुत सारे फिल्मों और टीवी सीरीज में काम किया 2010 का, और इसी साल स्टार प्लस के फेमस शो गुलाल में पंकज काम कर रहे थे। और फिर उनके शानदार काम को देखते हुए कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा ने उन्हें अनुराग कश्यप की अगली फिल्म के लिए अप्रोच किया। लेकिन जब पंकज इस फिल्म का ऑडिशन देने के लिए पहुंचे,
तो 8 घंटे के ऑडिशन के बाद भी अनुराग कश्यप उनसे संतुष्ट नहीं हुए, लेकिन कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश के कहने पर उन्होंने गैंग्स ऑफ वासेपुर में पंकज को सुल्तान का रोल दे दिया और यह फिल्म रिलीज होने के बाद से पूरे टीम वर्क की वजह से बहुत बड़ी हिट साबित हुई। और इस फिल्म में पंकज की शानदार एक्टिंग की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। इस फिल्म के बाद से पंकज अब फिल्म मेकर्स के नजरों में आ चुके थे और इसीलिए उन्हें बहुत सारे मूवीज में अच्छे खासे रोल मिलने भी शुरू हो गए। वह आगे चलकर फुकरे, मांजीद माउंटेन मैन, नील बटे सन्नाटा, न्यूटन जैसे और भी कई सारे मूवीज में अपनी शानदार एक्टिंग से लोगों को प्रभावित कर चुके हैं। साथ ही उन्हें न्यूटन मूवी में उनके शानदार काम के लिए नेशनल अवार्ड भी दिया जा चुका है। और दोस्तों, 2018 में साल की सबसे लोकप्रिय वेब सीरीज सेक्रेट गेम्स और मिर्जापुर में भी अपनी बेहतरीन एक्टिंग का जलवा लोगों को दिखा चुके हैं। और दोस्तों, मिर्जापुर में उनके द्वारा निभाया गया कालीन का किरदार रातों रात लोगों का पसंदीदा बन गया। बहरहाल दोस्तों, आप तो पंकज त्रिपाठी के शानदार अभिनय से सब कोई वाकिफ हैं, लेकिन उन्होंने जिस तरह से गांव से उठकर पूरे भारत पर अपने शानदार अभिनय से राज्य किया वह काबिले तारीफ है। आशा करते हैं कि वह आगे भी अपने टैलेंट से हम सभी को एंटरटेन करते रहेंगे। उम्मीद है कि पंकज त्रिपाठी की इस लाइव स्टोरी ने आपको भी जरूर इंस्पायर किया होगा। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।